मैं आपको बता दूं कि हम आपसे ऐसे कुछ चार सिम्टम्स शेयर करेंगे जिससे आप देख के इजीली पता लगा सकते हैं कि आपको होने वाला बेबी बेबी बॉय ही होगा। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, अगेन मैं आ गई अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करने। और आज मैं आपको बता दूं कि हम आपसे ऐसे कुछ चार सिम्टम्स शेयर करेंगे जिससे आप देख के इजीली पता लगा सकते हैं कि आपको होने वाला बेबी बेबी बॉय ही होगा। गर्ल के सिम्टम्स मुझे नहीं पता, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बोलती हूँ, जिस चीज़ में हमें नॉलेज नहीं है वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज मेरा बेबी बॉय है तो ऑब्वियसली मैं अपना सिम्टम आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में, और हम जो भी वीडियो डालते हैं उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, हो सकता है कि न्यू लोग भी जुड़ रहे हों, बहुत सारे लोग न्यू लोग आ रहे हैं तो वो कमेंट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैं उनका अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से ब्लॉग में ही उनका रिप्लाई वगैरह कर दूँ। वो सिम्टम्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो लोग आप लोग अपने से भी मैच करिएगा, हो सकता है कि आप लोगों से मैच हो जाए। और रियली 100% मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने, अगर आप में ये सिम्टम्स है तो आप 100% बेबी बॉय ही कंसीव किया है, बिकॉज अगर आपको बेबी बॉय की नीड होगी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इनके जो क्वेश्चन हैं आप लोग भी अपने से मैच करिएगा कि इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप ला ली। तो ये क्वेश्चन है सुहानी राजपूत जी का कि मैम, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा जो बोलते हैं कि इंटीरियर प्लेसेंटा से बेबी गर्ल होती है एंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा से बेबी बॉय होता है, और मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर है और मुझे नीड बेबी बॉय का है, बिकॉज मुझे एक बेबी गर्ल थी, तो आप बताइए कि मुझे क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ कि इंटीरियर प्लेसेंटा से बेबी गर्ल होती है, और बेबी गर्ल के टाइम में मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था और इस टाइम भी मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं डिपेंड करती कि आपको बेबी गर्ल होगा बेबी बॉय, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर थी। तो मैं ऑब्वियसली आपसे यही बात करूँगी कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील नहीं करती है कि आपको होने वाला बेबी बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय, बट मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था जो कि मुझे बेबी बॉय हुआ। तो अगर मैं आपके हिसाब से मैं बोल दूं कि मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था तो मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए, अगर प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील करती है तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए, बट मुझे बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय हुआ। तो मेरा मानना यही है कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील नहीं करती। मैं आप सबके सामने एक एग्जाम्पल और दे सकती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड थी उसका प्लेसेंटा पोस्टीरियर था जिसको बेबी गर्ल हुई है, तो मैं तो ऑब्वियसली मैं यही मानूंगी कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील नहीं करती कि होने वाला बेबी बेबी गर्ल है बेबी बॉय, बिकॉज मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था जो कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, बाकी गॉड के हाथ में होता है कि जो आपको देगा आपको वही मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बबली राजपूत, बबली राजपूत ने पूछा है कि मैम, आपका बेबी किस साइड मूवमेंट करता था? तो बबली जी, शायद मैंने बेबी बॉय वाले सिम्टम्स में शेयर किया है, बट यहाँ पे भी मैं बता दूँ कि मेरा बेबी बॉय 6 मंथ के बाद से मुझे राइट साइड ही हमेशा फील होता था, और नींद में बता दूँ तो नींद मुझे राइट साइड ही आता था, बिकॉज जब मैं लेफ्ट साइड सोने जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता था। सो राइट साइड ही हमेशा मूवमेंट किया एंड नींद मुझे राइट साइड ही आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भम्मू जी का। भम्मू जी ने पूछा है कि मैम, आपको खाने में क्या अच्छा लगता था? तो भम्मू जी, मैं आपको बता दूं कि मुझे खाने में हमेशा मीठा ही अच्छा लगा है। स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो वैसे मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, तीखा है, तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे तीखे से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। पानी पूरी वगैरह भी मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी, बिकॉज उसको देख के मुझे वॉमिटिंग जैसे फील होता था, बट मेरे केस में वॉमिटिंग नहीं था। फिर मेरा नोजिया का प्रॉब्लम फिनिश हुआ, उसके बाद मुझे मीठा की क्रेविंग 4 मंथ से स्टार्ट हो गई, जब तक मैंने बेबी बॉय डिलीवर नहीं कर दिया, उसके बाद भी मुझे मीठा की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैंने मीठा भर भर के खाया है अपने बेबी बॉय के टाइम में, सो मुझे मीठा की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जी का कि मैम आपका बेबी बॉय कौन से वीक में हुआ था। कहते हैं कि बेबी बॉय फास्ट होता है एंड बेबी गर्ल लेट होती है, बिकॉज मेरा 9 मंथ चल रहा है और अभी मेरा 40 वीक कंप्लीट हो गया बट अभी तक नहीं हुआ, और सिम्टम्स मेरे आपके सारे सेम है। कैसे बताऊँ मैं आपको। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि आपका बेबी बॉय कौन से वीक में हुआ था, तो बता दूं गाइस कि मेरा बेबी बॉय 41 वीक के लास्ट में हुआ था। जैसे आज 41 वीक कंप्लीट होने वाला है और कल 42वां वीक स्टार्ट होता, बट 41 वीक के लास्ट वीक लास्ट डे में हो गया था मेरा बेबी बॉय। क्या होगा जो आप चाहती हो आपको मिल जाए, गॉड ब्लेस यू। तो गाइस आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड करने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो आज मैं आपसे वो 4 सिम्टम्स शेयर करूँगी। अगर आप में वो 4 सिम्टम्स हैं तो आपने पक्का 100% बेबी बॉय ही कंसीव किया है, बिकॉज जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैंने अपने बेबी बॉय में रियलाइज़ किया है। जो भी मेरे साथ लेडीज वहाँ प्रेग्नेंट थी उन सबको मैंने बोल दिया था कि आपको बॉय ही होगा, क्योंकि सिम्टम्स ही ऐसे थे जिसे देख के मैं पक्का यकीन के साथ कह सकती थी कि आपको बॉय ही होगा। अब आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप कोई डॉक्टर हो, गायनकोलॉजिस्ट हो, जो आपको इतना सब पता है। तो मैं कोई गायनकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ बट जो जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे 2-3 लेडीज और प्रेगनेंट थी, मतलब उनको उनका भी फर्स्ट प्रेगनेंसी था, तो मैं सबको ही देख के बता देती थी उस सिम्टम्स के कि आपको बेबी बॉय होगा, उनको बेबी बॉय हुआ है। सबसे पहले हम आपके साथ वो सारे सिम्टम्स शेयर करते हैं। अगर 4 सिम्टम्स हैं तो यकीन मानिए कि आपने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। तो फर्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिम्टम्स की। अगर आपके फेस और नेक का कलर डाउन हुआ है, डाउन मतलब कि बोल सकते हैं कि ब्लैक हो गया है बहुत ज़्यादा, तो समझो आपने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन होता है, उसके वजह से हमारे चेहरे और नेक का कलर डाउन हो जाता है। समझो आपने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। सेकेंड सिम्टम्स ये है कि आपके हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाना। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जब ज़्यादा बढ़ता है ब्लड में, तब हमारे शरीर में सूजन हो जाता है, पूरे हाथ पैर और फेस में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। थर्ड सिम्टम्स ये है कि आपकी यूरिन का कलर येलो टाइप का हो जाना, बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जब ज़्यादा बढ़ता है तो यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। और फोर्थ सिम्टम्स की बात करते हैं, मीठे की क्रेविंग होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, बिकॉज जब आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है ब्लड में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होने लगती है। तो अगर आप में भी ये 4 सिम्टम्स हैं तो आपको मैं बता रही हूँ कि 100% आप यकीन मानो कि आपने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। बेबी गर्ल के टाइम में ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, बिकॉज जो हमारे फीमेल का हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हम सब फीमेल हार्मोन होता है। अगर हमने फीमेल कंसीव किया होगा तो हमारा जो चेहरे का कलर है और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा एंड स्वेलिंग वगैरह नहीं आएगी, और हमारी यूरिन का कलर भी येलो नहीं होगा। तो ये सारे ये 4 सिम्टम्स है। अगर आपके भी 4 सिम्टम्स हो गए तो आप यकीन मानो कि आपने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। और जिनको नहीं होगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिनको भी हुआ होगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने आपको क्या बोला था। सो गाइस आई होप कि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। आज का ब्लॉग यहीं बेन करते, मिलते हैं आपको जल्दी न्यू सिम्टम्स के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान।